हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस YouTube चैनल टेक्निकल शार्प में। दोस्तों देखिए, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि 1000 लीटर वाला पानी टंकी इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। ये सुप्रीम का 1000 लीटर का वाटर टैंक है। चलिए आपको दिखा देता हूँ इसका कनेक्शन किस तरह किया गया है। ये 4 लेयर वाला वाटर टैंक है सुप्रीम कंपनी का। ये रहा हमारा आउटपुट लाइन, हमारा जो घर को पानी जाता है इसी पाइप से जाता है, क्योंकि इसी पाइप में एयर पाइप कनेक्शन हुआ है। एयर पाइप का अगर हम ऊपर कैसे में देखें, यहाँ पे जो टी लगाया गया है ऊपर, और यहाँ पे हम एक निप्पल के साथ टी को कनेक्शन नहीं कर रहे हैं एयर पाइप को, तो ऐसे ही खड़ा रहेगा तो बंदर इसके ऊपर बैठ के हिला दुला के इसको तोड़ देंगे। इसलिए एयर पाइप को निप्पल के साथ कनेक्शन किया गया है टंकी में। पानी जाते वक्त एयर जाना भी जरूरी है, वरना घर को एयर नहीं जाएगा। इसलिए हमारा घर का जो पाइप गया है आउटपुट लाइन, उसी लाइन में एयर पाइप लाइन खड़ा है, और जो पाइप लाइन खड़ा है पाइप, उस पाइप को टंकी में निप्पल के जरिए कनेक्शन किया गया है ताकि वो मजबूत रहे। तो यहाँ पे उसके आगे एक बल्ब दिया गया है, जिसको आप चाबी भी कह सकते हो, चाबी लगाया गया है। इसको ऑफ करके आप घर के अंदर का कुछ काम हो तो आप कर सकते हो। नॉट टूट गया, फूट गया, कुछ भी हो, यहाँ से आप चाबी बंद करके घर के अंदर की काम कर सकते हो आसानी से। तो इसके आगे हम देखेंगे क्या लगाया गया है क्या नहीं। इसके आगे हमारा एक यूनियन लगाया गया है जो दोनों पाइप को जोड़ता है, और ज़रूरत पड़ने पर उसको खुला भी जा सके। अगर यहाँ पे आप सॉकेट लगेगा तो वो पाइप खुलेगा नहीं, आपस में जुड़ के रहेगा। किसी भी वक्त काम करते वक्त सफाई करने के लिए टंकी भी को भी इस यूनियन को खोल के आप पानी टंकी के अंदर जो नीला होगा उसको आप साफ सफाई कर सकते हो। इस तरह ये घर को गया है। इसको सपोर्ट देने के लिए देखिए टंकी के नीचे किस तरह सीमेंट का बेस बनाया गया है, और पाइप के नीचे भी सपोर्ट देने के लिए एक बेस बनाया गया है। ये रहा हमारा मोटर का लाइन, यहाँ से भी आप मोटर लगाए होंगे, वहाँ से एक पाइप लाके टंकी के ऊपर में एक पाइप लाइन को डालना है। देखिए कितने दूर से लाइन आया है, इस तरह छत के दीवार में आके इस तरह यहाँ से ऊपर उठ के टंकी में कनेक्शन दिया गया है। आप चाहो ऊपर भी दे सकते हो या नीचे दे सकते हो। तो किस तरह से भी ऊपर कनेक्शन हुआ है। ये एयर पाइप को इसे रखने के लिए एक जगह टंकी में निप्पल के साथ कनेक्शन किया गया है। यह हमारा आउटपुट एक लाइन गया है लैटिन को, और दूसरा दिखा देता हूँ। चलिए उस तरफ है हमारा किचन को गया है, उसके बाद आपको दिखा दूँगा हमारा आउटपुट, हमारा जो ओवरफ्लो लाइन कहाँ पे दिया गया है और कहाँ पे देना ज़रूरी है। ये हमारा दूसरा एक आउटलेट है, इस तरह देखिए दीवार में आया है, नीचे की तरफ गया है। इस तरह घूम के बाहर गया है नीचे को। यहाँ पे हमारा किचन का रूम है। तो एक मंजिल का घर है, इसलिए हम यहाँ पे 1 इंच का पाइप डाला है। अगर आपका 3-4 मंजिल का घर है तो आप 1.5 इंच का पाइप दे सकते हो। उसके बाद जहाँ आपका लैट्रिन हो, किचन हो, वहाँ पे आपको 1 इंच को कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा।
तो देखिए हमारा आउटपुट लाइन के साथ एयर पाइप कनेक्शन हुआ है, अभी मोटर लाइन भी कनेक्शन हो गया है, अभी मोटर भी चालू हो चुका है। आपको दिखा देता हूँ पानी आ रहा है। देखिए ये टंकी बैठाना से आप इमीडिएटली आपको घर को आप पानी पा सकते हो। अगर आपका सीमेंट का टंकी आप नंदों से बनाओगे तो आपको एक दो दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन प्लास्टिक टंकी आप बिठा रहे हो तो आपको बिठाने के साथ साथ आपको घर को भी पानी सप्लाई जा सकता है। आप टंकी में पानी भर सकते हो, जिस तरह यहाँ पे अभी टंकी कनेक्शन होते ही पानी उसमें भरा जा रहा है। तो हमारा यहाँ पे रहा ओवरफ्लो का लाइन, टंकी फुल होगा तो यहाँ से पानी निकलेगा, आपको मालूम हो जाएगा कि टंकी भर चुका है। तो इस पाइप को हम थोड़ा और भी ज़्यादा लंबा के लेंगे, यहीं पे रखने से छत के ऊपर पानी गिरेगा आपको मालूम नहीं पड़ेगा, तो इसको थोड़ा आगे हम लेंगे, इस स्ट्रिपर से आगे लेंगे। अभी देखिए हमारा ओवरफ्लो का पाइप जो है लाइन है वो भी कनेक्शन हो गया है, आपको दिखा देता हूँ। एलएम के ऊपर एक टी दिया गया है दोनों तरफ से हवा जा सके। ये सिर्फ एयर पाइप को पकड़ के रखने के लिए ऊपर में टी और निपुल का कनेक्शन किया गया है, वरना इसका कोई काम नहीं। ये सिर्फ पाइप को मजबूत करके रखने के लिए एक जगह इस तरह लगाया गया है और ऊपर एक टी लगाया गया है। ये पानी घर को जाएगा, इसके साथ साथ एयर भी जाएगा, ज़रूरत पड़ने पर इस बल्ब को आप बंद करके घर का काम भी सकते हो। और अगर आपका टंकी शिफ्ट करना है तो आप इस यूनियन को भी खोल के टंकी को दूसरे मंजिले घर के ऊपर हो या दूसरे जगह पर भी ले सकते हो अगर कभी ज़रूरत पड़े तो। यहाँ पे देखिए ये मोटर लाइन और सप्लाई लाइन अब हमारा आपको दिखा दिया। अभी देखते हैं इसका जो ओवरफ्लो पाइप है इस तरह कनेक्शन दिया गया है। इस तरह मोटर का लाइन यहाँ से मोटर लगा है, मोटर के आउटपुट से एक पाइप आया है, टंकी में कनेक्शन हुआ है। पाइप के नीचे सपोर्ट नहीं दोगे तो बंदर इसके ऊपर चल कुदल करके उसको तोड़ देंगे, तो जितना हो सके सपोर्ट देना ज़रूरी है। क्योंकि ये रहा हमारा ओवरफ्लो पाइप, देखिए किस तरह दीवार में घंटा के जरिए लगा के दीवार में बाहर की तरफ इस पाइप को हम दे रहे हैं ताकि पानी फूल होने के बाद आपको पता चल जाएगा कि पानी टंकी भर गया है, ये बाहर गिरेगा पानी फूल होने के बाद। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ साथ दूसरे कुछ टॉपिक के ऊपर भी जानना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के दिखाने के लिए। धन्यवाद।